आगामी बजट को लेकर प्रदेश के युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। युवाओं की मांग है कि बजट में स्कॉलरशिप, रोजगार और बेहतर शिक्षा के साथ फीस वृद्धि में कमी की जाए, साथ ही महिलाओं का भी ध्यान रखा जाए। बजट को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक ने युवाओं से की खास बातचीत। बुधवार को राजस्थान सरकार का विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। कई सारी पॉलिसीज़ हैं, कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कई सारे ऐसे कानून हैं जिस पर चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, चूंकि बजट सत्र में इनकी भी एक अहम भूमिका होती है। इनको लेकर के बहुत सारी सरकार ने दावे, क्या कुछ दावे हैं इनके तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप एक जैसे एक छात्रा हैं, यूथ हैं, तो यूथ के हिसाब से आपको क्या लगता है बजट में क्या कुछ होना चाहिए आपके लिए? बजट में इस बार एजुकेशन पॉलिसी में कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे इस एजुकेशन के अलावा अदर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा होना चाहिए, फीमेल्स को पार्टिसिपेट ज़्यादा करना चाहिए, और इसके लिए मतलब जागरूकता होनी चाहिए, कैंप वगैरह लगने चाहिए। सरकार से ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि नौकरियाँ तो सभी प्राप्त करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों में अदर कौशल भी, स्किल्स भी होती हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी जो कौशल है उसको दिखाएं, प्रदर्शित करें। सरकार को इसके लिए मौका देना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए। अभी राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी जगह पर जॉब्स तो कम हैं, मतलब वहाँ पे टीचर्स, जैसे अभी बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स भी कम हैं, लेकिन है ही नहीं टीचर्स, इसके लिए वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। जो लड़कियाँ हैं कई तो अच्छे बैकग्राउंड से है, और बहुत सारी ऐसी भी है जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती है, तो उनके लिए जो अलग से स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है वो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए काफ़ी सारी। 50% आरक्षण शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं को दिया गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये बेस्ट पॉलिसी लाई गई है। महिलाओं को इसके प्रति जागरूक भी किया जाना चाहिए कि उनको जो 50% आरक्षण जो दिया गया है, और जो आरक्षण दिया गया है वो सिर्फ आरक्षण सिर्फ कागजों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक में भी उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार के बजट से मेरी ये मांग है कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनकी सेमेस्टर सिस्टम है, तो डबल बार फीस भरनी पड़ रही है उनको, इतना ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। बच्चियाँ अगर पढ़ रही है तो वो अपने आप खुद कर सकती है सब कुछ, इससे मतलब कि ज़्यादा उनको ऊंचा लाके, मैं खुद लड़की हूँ लेकिन मैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे भाई हैं सारे, तो उनको मतलब कि उनको ज़्यादा नीचा दिखा, खुद ज़्यादा ऊंचा बढ़ के हम बिना आरक्षण भी उनसे ऊपर या फिर उनके बराबर आ सकते हैं। अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि कोई भी, जैसे हम तैयारी कर लें फिर पता ही नहीं कि कब पेपर लीक हो जाए, कौन सी एग्ज़ाम है, उसका क्या है सब कुछ। मैं तो सरकार से यही बोलूंगी कि या तो निकालो ही मत, वैकेंसीज वगैरह मत निकालो, अगर ऐसा ही करना है तो फिर कम से कम हम फिजिकली मेंटली तो मतलब डिस्टर्ब ना हो। तरीके से ये कुछ युवा हमारे साथ थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से इनकी मांग है कि स्कॉलरशिप जो इनको मुहैया कराई जानी चाहिए। पेपर लीक के मसले को लेकर काफ़ी निराशा रहती है, इनका कहना है कि कोई भी पेपर हो, कोई भी भर्ती हो, तो पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। और इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें इनकी डिमांड है जो सरकार का आने वाला बजट है उस पर इनको शामिल किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर।